रांची लोकसभा सीट की मतगणना के लिए पंडरा बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में 7 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है। 100 मजिस्ट्रेट की निगरानी में काउंटिंग होगी। रांची उपायुक्त राय महिमा पत्रे ने मतगणना हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 21 राउंड में मतगणना पूरी होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। तो वहीं मतगणना समाप्ति के बाद वीवीपैट मशीन से पर्चे का मिलान भी किया जाना है। इस वजह से रिजल्ट आने में कुछ देरी हो सकती है। 6+1 हॉल है, 7वां जो है पोस्टल बैलेट के लिए है और 6 विधानसभा वार काउंटिंग हॉल है। अलग अलग राउंड रहेंगे, अलग अलग टेबलें हैं। इस बार थोड़ा सा रिजल्ट लेट होगा कि 5 वीवीपैट की वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हम लोगों ने सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए हैं। 3 लेवल सिक्योरिटी रहेगी। आपके मानस बता चाहूँ, कोई भी काउंटिंग एजेंट किसी परिस्थिति में कोई भी ऐसी चीज नहीं ला सकता जो अलाउड नहीं है। उसकी फ्रिस्किंग होगी, अगर लाता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। मतगणना के लिए पंडरा बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में निरीक्षण के लिए रांची SSP अनीश गुप्ता भी पहुंचे। इस दौरान SSP अनीश गुप्ता ने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें पहले घेरे में CRPF के जवान तैनात रहेंगे, जबकि दूसरे स्तर में जैप के जवान, तो वहीं तीसरे और अंतिम घेरे में जिला पुलिस के बल मौजूद रहेंगे। मतगणना केंद्र की CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं SSP ने कहा कि राजनीतिक दल के एजेंट और मतगणना के कार्य में लगे कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। रूम की जो सिक्योरिटी है वो 3 टीयर है, जिसमें जो इंटरनल लेयर है उसमें CRPF है, CRPF की कंपनी लगी हुई है, और उसके बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो JAP-1 द्वारा की जा रही है, और आउटर सिक्योरिटी जो है वो जिला बल के जवान और ऑफिसर्स देख रहे हैं। काउंटिंग हॉल्स और जो पूरा परिसर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था विधि व्यवस्था संधारण के लिए अलग से जिला देश निर्गत किया गया है। इसमें काफ़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और बलों की प्रतिनियुक्ति दी गई है। जाहिर है 23 मई को होने वाले मतगणना को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लिहाजा जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने का दावा किया गया है। तो वहीं राजनीतिक दलों के एजेंट को मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैमरामैन अरुण के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11, रांची।